हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन लेकर आई हूँ। ये मैं जेंट्स स्वेटर में इस डिजाइन को डाल रही हूँ। आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बेबी फ्रॉक, गर्ल्स के टॉप इत्यादि में किसी भी में डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये आया है बनकर। इस तरह से आपको दिखेगा बनकर। ये हमारे सीधी साइड है और ये रही उसकी उल्टी साइड। उल्टी साइड से सभी रो जो है उल्टी ही बुनी जाएंगी। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने जो फंदे लेने हैं वो लेने हैं आपने 16 के गुणा करके। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 16 फंदे हैं। ये 8 हमारे उल्टे हैं और ये 8 फंदों पर हमारा ये डिजाइन डला है, तो ये 16 फंदे हैं। तो 16 16 के हिसाब से आपने फंदे लेने हैं और लास्ट में आपने 8 फंदे जो है एक्स्ट्रा रखने हैं जो उल्टे रहेंगे इस तरह से, और 2 फंदे एज जो एक एक साइड होगा और एक दूसरी साइड होगा। तो आइए इस डिजाइन को स्टार्ट करते हैं बनाना। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 16 फंदे जो कि हमारे डिजाइन के हैं। 8 फंदे हमारे लास्ट में रहेंगे और एक हमारा एज ये है और एक यहाँ पर है। जब भी आपने सिलाई में फंदे लेने हैं 16 के गुणा करके लेने हैं और जमा उसमें 10 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। आपका डिजाइन किसी भी स्वेटर में एडजस्ट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। सीधी साइड से बनाएंगे। पहले एक फंदा बिना बुना लेंगे जो एज है हमारा, और 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 धागा पीछे करेंगे। अब 8 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है दो दो करके, तो चार चार फंदों की हमारी डिब्बी बनेगी। तो देखें, ये फंदा जो दूसरा है इसे आगे लाना है और इस फंदे को बीच में लाना है। तो दूसरे नंबर वाले फंदे को आगे की साइड से बुन लेंगे पहले, इस फंदे को बाद में बुनेंगे। तो हमारे ये फंदे ट्विस्ट हो गए हैं। दूसरे नंबर वाला फंदा यहाँ आ गया और ये वाला इस साइड, ये देखें ऐसे, ये फंदा इस साइड आ गया और ये वाला फंदा बैक साइड से यहाँ आ गया, ट्विस्ट हो गए। अब ये दो फंदे फिर से ट्विस्ट करने हैं। तो ये जो फंदा है ये आगे की तरफ से इस साइड लेके जाना है और ये पीछे की तरफ से यहाँ लेके आना है। तो पहले इस तरह से सिलाई डालेंगे दूसरे फंदे में, पहले बुनेंगे इसे और इस फंदे को बाद में बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे जो हैं ट्विस्ट हो गए हैं। ये चार फंदे ऐसे ही ये वाले ट्विस्ट करने हैं, या फिर आप उतार के भी कर सकते हैं। इस तरह से दो फंदे उतारेंगे, ये फंदा लेफ्ट नीडल में लेंगे और इस फंदे को उठा के आगे रखेंगे ऐसे, और बना लेंगे दोनों को सीधा। 1 2 अब ये फंदे उतारेंगे। पहले हम ये फंदा लेंगे दूसरे नंबर वाला, फिर ये वाला लेंगे और ऐसे करेंगे। लेफ्ट नीडल में ले लिया, अब इन दो फंदों को सीधा बना लेंगे। ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं और ऐसे भी, ऐसे आसान है, निकलेंगे नहीं फंदे। अगर आप बिगनर हैं तो फंदे निकल जाते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया वैसे ही ट्विस्ट करिएगा। तो आपने ये जो डिजाइन है एक फंदा छोड़ के यहाँ तक बार बार रिपीट करना है। तो मार्कर लगा देती हूँ मैं कहाँ तक आपने बनाना है, वही रिपीट करना है आपने 16 फंदों को बार बार। ये मैंने मार्कर लगा लिए हैं, अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से देखिए। पहला फंदा उतारा है, इसे साइड में रखा है, बीच के फंदे हमारे 16 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 फंदे हैं। यही आपने फिर से बार बार रिपीट करना है। फिर से बनाएंगे 8 फंदे उल्टे और 8 फंदों को इस तरह से दो दो करके ट्विस्ट करेंगे। 16 फंदों को बार बार रिपीट करना है। जितने भी आपके फंदे हैं आपने इसी तरह से रिपीट करना है, और लास्ट में आपके बचेंगे 9 फंदे। 9 फंदों में से 8 फंदे उल्टे बना ले उल्टे बना लेंगे। 9 फंदों में से 8 फंदे उल्टे बना लेंगे। और हमारा एज जो है इसे सीधा बोल लेंगे। ऐसे आपने
ये रिपीट करना है बार बार, जितने भी आपने फंदे डाले होंगे ये लास्ट में बनाना है जब हमारे 9 फंदे बचेंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा ही बुन लेना है। तीसरी सिलाई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे जो हमारा एज है, ऊन को आगे लाएंगे और ये फंदे उल्टे बनाएंगे 8। यहां तक ये देखिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 फंदे उल्टे बना लिए। अब ये जो फंदे हैं, जैसे हमने डिजाइन बनाया था पहले, ये फंदे खोले थे, ये बीच वाले फंदे देखें, ये इस साइड आ गया, खुल गया, ये इस साइड आ गया। अब इन्हें डब्बी को बंद करना है। ये वाला फंदा आगे लाएंगे और जो दूसरे नंबर वाला है वो इस साइड लाएंगे। तो देखें, पहले सेकंड नंबर वाला फंदा बुनेंगे, फिर फर्स्ट वाला बुनेंगे, तो हमारे फिर से ट्विस्ट हो गए। अब सेकंड नंबर वाला बुनेंगे आगे की साइड से और फिर इस फंदे को बुन लेंगे। ये देखिए, जैसे हमारी डब्बी ऐसे खुली फिर बंद हो गई, ये हमारा डिजाइन इस तरह से बन गया। फिर से देखें, पहले बैक लूप से बनाएंगे, बैक साइड से दूसरा फंदा और फिर इसे बुनेंगे, फिर आगे की साइड से दूसरा फंदा, ये बाद में बुनेंगे। ऐसे इस तरह से हमारी डिब्बी जो है बन गई। तो यही 16 फंदों का डिजाइन बार बार रिपीट करना है, लास्ट में हमारे फंदे बचेंगे। आठ उल्टे रहेंगे और जो एज है हमारा वो सीधा रहेगा। तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, चौथी सिलाई को उल्टा बना लेंगे। पांचवी सिलाई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे लाएंगे आठ फंदे उल्टे बुनेंगे, जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी वैसे ही इस रो को बनाना है। ये देखिए, फिर से जैसे पहली सिलाई बनाई थी, इस फंदे को आगे लाएंगे आगे की साइड से, दूसरे को बाद में बुनेंगे, इस फंदे को दूसरे नंबर वाले को बैक साइड से बुनेंगे, फिर आगे वाले को बुनेंगे। ऐसे तो हमारे फिर से फंदे ट्विस्ट हो गए हैं। फिर से देखिए, पहले दूसरे नंबर वाले को बुनेंगे आगे की साइड से और अब इसे बैक साइड से बुनेंगे, दूसरे नंबर वाले को इसे बाद में, तो हमारे फंदे ये ट्विस्ट हो जाते हैं। ये देखिए, तो आप देखेंगे ये एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के ये 16 फंदे बार बार रिपीट करना है, लास्ट में बचेंगे 9 फंदे, इसमें 8 बना लेंगे उल्टे और एज जो है उसे सीधा बुनेंगे। सातवीं सिलाई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे लाएंगे, फिर से बना लेंगे 8 फंदे उल्टे, ये 8 हो गए। धागा पीछे, जैसे हमने चौथी सिलाई बनाई थी जैसे पांचवी सिलाई बनाई थी वैसे बनाएंगे। अब इस फंदे को यहां लाना है आगे की साइड से, उभरा हुआ आगे आएगा और ये बैक से जाएगा। तो पहले बनाएंगे दूसरे नंबर वाले फंदे को बैक लूप से, इसे बाद में बुनेंगे,
ऐसे तो हमारा ये फंदा आगे आ गया। अब ये फंदा आगे लाना है, आगे की साइड से, और इसे बाद में बुनेंगे। तो हमारे फंदे ये ट्विस्ट हो गए, ये देखिए हमारी ये दो डिबिया बन गई। एक बार ये खुली, बंद हुई, फिर खुली, फिर बंद हुई। ये भी ऐसे ही बुनेंगे। इस फंदे को दूसरे नंबर वाले को पहले बैक साइड से बुनना है, फिर बाद में ऐसे बुनना है। एक बार जो है आगे की साइड से बुनेंगे, एक बार बैक साइड से, तो हमारा ये ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, मार्कर से लेके इस मार्कर तक हमारे ये फंदे जो हैं 16 फंदे हैं। यही आपने बार बार रिपीट करना है, जितने भी आपकी सिलाई में फंदे होंगे। और लास्ट में आपके 9 फंदे बचेंगे, उल्टे बुनेंगे 8 फंदे, और एज जो है सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड से उल्टी रो कंप्लीट कर लेंगे, सीधी साइड और 9वीं सिलाई, 9th रो। पहला फंदा उतार लिए हैं, धागा आगे लाएंगे। आठ फंदे उल्टे बना लिए, जो कि आठ बना रहे थे, यहां तक बना लिए। धागा पीछे, तीन सीधे बुन लिए, दो उल्टे बुनेंगे, फिर तीन सीधे, ऐसे एज को छोड़ के। ये हमारा 16 फंदों का डिजाइन बार बार रिपीट करेंगे। लास्ट में बचेंगे हमारे 9 फंदे, इसमें से 8 उल्टे बुनेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड से उल्टी रो कंप्लीट करेंगे। 10 सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं। 11वीं सिलाई में ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक दो तीन चार पांच छ और ये 7। अब हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। ये जो उल्टा फंदा है इसे सीधा कर देंगे। पहले 8 बना रहे थे, अब 7 बुनेंगे उल्टे। अब ये फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, धागा आगे लाएंगे। अब 4 फंदे यहां पर उल्टे रहेंगे, एक दो तीन और ये 4, 4 उल्टे हो गए बीच में। अब यहां पर देखें, एक दो और ये यहां से एक फंदा सीधा लेंगे, ऐसे। लास्ट में हमारे बचेंगे 7 फंदे, इन्हें बुन लेंगे उल्टा और एज जो है सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड से उल्टी रो कंप्लीट करेंगे। 13वीं सिलाई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना। अब ये फंदा यहां से सीधा करना है, तो एक दो तीन चार पांच और ये 6। तो यहां देखें, पहला फंदा उतारेंगे, और ये उल्टे बना लिए, दो चार 6, पहला फंदा उतार के 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये जो उल्टा फंदा है इसे सीधा बना लेंगे, एक दो तीन, धागा आगे, एक दो तीन चार पांच 6, 6 फंदे हमारे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, एक दो तीन, लास्ट के फंदे उल्टे बुनेंगे और एज जो है सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड से उल्टी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी 14 सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ डिजाइन बन गए हैं। अब जो ये डिजाइन बनाए हैं 8 फंदों का, वो यहां पर बनाएंगे और एक इस साइड बनेगा। उल्टे फंदे यहाँ हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ये आ गई है हमारी
पंद्रहवीं सिलाई पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 8 फंदों के ऊपर डिजाइन बनाएंगे, जैसे ये बनाया है। तो पहले हम दूसरा फंदा बुनेंगे आगे की साइड से, फिर फर्स्ट बुनेंगे, फिर बैक लूप से बनाएंगे बैक साइड से दूसरा फंदा, फिर आगे की साइड से बुनेंगे दूसरा फंदा, फिर बुनेंगे, फिर यही रिपीट करेंगे। पहले दूसरे नंबर वाला फंदा बुनेंगे आगे की साइड से, फिर दूसरा बुनेंगे, फिर बैक साइड से बुनेंगे दूसरा फंदा, फिर ये बुनेंगे। तो ऐसे हमारे ट्विस्ट हो गए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम किए थे ट्विस्ट। तो 8 फंदे ट्विस्ट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा पहला फंदा छोड़ के ये हमारा 16 फंदों का डिजाइन, इसमें 8 फंदों को ट्विस्ट किया, 8 उल्टे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने यहाँ से यहाँ तक इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। अब आपके लास्ट में बचेंगे 9 फंदे, तो 8 फंदे ट्विस्ट करेंगे जैसे ये किए हैं, और एक फंदा एज जो है सीधा बना लेंगे। तो देखें इस तरह से ट्विस्ट करेंगे जैसे फर्स्ट टाइम किए थे पहली सिलाई में। पहले दूसरे नंबर वाला फंदा आगे की साइड से बुनेंगे, फिर यहाँ पर ये फोर्थ नंबर वाला बैक साइड से बुनेंगे, फिर दूसरे को बुनेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो ये डिजाइन हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है बनना, और उल्टे फंदे बीच में आ गए हैं। 17वीं सिलाई पहला फंदा उतारेंगे। अब ये जो खोले हैं फंदे, ये डिजाइन जो बन रहा है इसे बंद करेंगे चार चार फंदों में, तो दो दो फंदे करके करेंगे। पहले सेकंड फंदा बुनेंगे बैक साइड से, फिर ये फर्स्ट वाला बुनेंगे बाद में। तो फंदा हमारा आगे आ गया। अब ये जो हमारा नेक्स्ट फंदे हैं दो, पहले आगे वाले को बुनेंगे, दूसरे वाले को आगे की साइड से, फिर इसे बुनेंगे ऐसे। तो हमारी ये डिब्बी जो है बंद हो गई है। नेक्स्ट जो है फिर इसी तरह से बुनेंगे, ये हमारे फंदे 8 जो हैं ट्विस्ट हो गए हैं दो दो करके। अब आगे 1 2 8 फंदे हैं उल्टे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 और ये 8। ये फंदे भी ट्विस्ट कर लेंगे जैसे इस साइड किए हैं। पहले दूसरे नंबर वाला बुनेंगे बैक साइड से, फिर यहां पर दूसरे नंबर वाला आगे की साइड से बुनेंगे। तो हमारे ये फंदे ट्विस्ट हो गए। फिर से सेम रिपीट करेंगे, ऐसे लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। 19वीं सिलाई सीधी साइड, जैसे ये वाली रो बनाई दो, यानी कि 4 सिलाइयां जो बनाई, जो फंदे पहले खोले फिर बंद किए, ये डिब्बी जो बनाई 4 सिलाइयों में, वही रिपीट करेंगे इन 4 सिलाइयों में। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, अब सेकंड फंदा आगे की साइड से पहले बुनेंगे, ये बाद में बुनेंगे, अब ये फोर्थ नंबर वाला बैक से बुनेंगे, फिर ये आगे की साइड से बुनेंगे। तो हमारे फंदे ट्विस्ट हो गए, फिर से डिब्बी हमारी खुलेगी, सेम आगे ऐसे ही बुनेंगे। आगे की साइड से पहले दूसरे नंबर वाला बुनेंगे, ये वाला पहले बैक साइड से बुनेंगे, फिर इसे बुनेंगे ऐसे। फिर 8 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, नेक्स्ट 8 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। दूसरे नंबर वाला पहले बुनेंगे आगे की साइड से, इसे बाद में बुनेंगे। तीसरे नंबर वाला फंदा बाद में बुनेंगे, पहले चौथे वाला बुनेंगे बैक साइड से ऐसे,
ये चार चार फंदों का डिजाइन है ऐसे। ये देखिए फिर चार फंदे आ गए, पहले दूसरे नंबर वाला आगे की साइड से बुनेंगे, फिर ये बाद में बुनेंगे, फिर ये चौथे नंबर वाला फंदा बुनेंगे पहले बैक साइड से, फिर ये बुनेंगे ऐसे। 21 रो 21वीं सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे। अब देखें जैसे हमारे फंदे बड़े हैं यहाँ पर इस तरह से, देखिए पहले दो उल्टे थे, फिर हमारे चार हो गए, फिर छः हो गए, फिर आठ, फिर ये आठ, फिर आठ। तो जैसे हमारी डब्बी इस तरह से ये वाले भी बनती गई है, अब ये कम होते जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमारे ये फंदे उल्टे जो हैं बढ़ते गए हैं, पहले इस तरह से ऐसे बड़े हैं, जैसे दो चार फिर छः फिर आठ, आठ 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 हैं, फिर बाद में हमारे यहाँ पर कम होते जाएंगे, यहाँ दो बचेंगे। ऐसे हमारी ये बीच की डिब्बी जो है ऐसे बनी है, और ये वाली इस तरह से गुलाई में बनी है दो बार। पहला फंदा उतार के तीन फंदे सीधे रहेंगे, एक दो तीन, धागा आगे लाएंगे, ये दो फंदे उल्टे रहेंगे सेंटर के, फिर तीन फंदे हमारे सीधे रहेंगे ऐसे। धागा आगे लाएंगे, आठ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, फिर तीन फंदे हमारे सीधे रहेंगे, दो उल्टे रहेंगे, फिर तीन सीधे रहेंगे, और एज जो है इसे सीधा बना लेंगे। पहला फंदा छोड़ के आपने 16 फंदों का डिजाइन रिपीट करना है बार बार। सोलह फंदों का डिजाइन रिपीट करेंगे, लास्ट में हमारे जो फंदे बचेंगे उसमें तीन हमारे सीधे हैं, दो उल्टे, तीन सीधे, एक सीधा एज जो है रहेगा। इस तरह से आपने बुनते जाना है। पहला फंदा उतारेंगे, अब हमारे दो फंदे सीधे रहेंगे क्योंकि बीच के फंदे उल्टे बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पर बड़े हैं तो पहले दो थे, अब एक इस साइड से लेंगे उल्टा और एक साइड से बुनेंगे, तो धागा आगे करेंगे, ये चार फंदे उल्टे रहेंगे, धागा पीछे इस साइड, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो यहाँ पर दो फंदे सीधे हैं और इस साइड तीन ही रहेंगे, ये वाला फंदा क्योंकि सीधा करना है, तो हमारा एक दो तीन फंदे ये सीधे हो गए हैं। धागा आगे लाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, अब छह फंदे हमारे बीच में सीधे रहेंगे, ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसे सीधा कर लेंगे, एक दो तीन, और ये उल्टे फंदे पहले दो थे अब चार होंगे, एक एक दो तीन चार, लास्ट में हमारे तीन फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट रो पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना, अब एक फंदा सीधा रहेगा साइड में, अब छह फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे, तो ये सीधा फंदा है इसे भी उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, तीन फंदे सीधे रहेंगे, एक दो तीन, धागा आगे लाएंगे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार, यहाँ पर चार उल्टे होंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारे कम हो रहे हैं, तो ये चार और ये जो बढ़ रहे हैं ये हमारे छः हैं, दो चार छः ये कम हो रहे हैं तो ये चार हैं, एक दो तीन चार,
अब तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, उल्टे रहेंगे हमारे छह फंदे, एक दो तीन चार पांच छह, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, सीधा बना लेंगे। पहला फंदा उतार के धागा आगे लाएंगे। अब ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ फंदे हमारे यहाँ उल्टे हो गए। अब सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, एक और एक दो, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा आगे लाएंगे, आठ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, यही बार बार रिपीट करना है, और लास्ट में आपका एक फंदा सीधा। तो हमारे ये 28 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और डिजाइन भी बन गए हैं। फिर से फर्स्ट रो जैसा रिपीट करेंगे। आइए एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना और आठ फंदे उल्टे बुनेंगे। ये आठ फंदे उल्टे हो गए। अब ट्विस्ट करेंगे चार चार फंदों को। दूसरे नंबर वाला फंदा पहले बुनेंगे, ये बाद में बुनेंगे। फिर चौथे नंबर वाला बैक साइड से बुनेंगे, ये बाद में बुनेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, पहले दूसरे नंबर वाला फंदा बुनेंगे, फिर ये बुनेंगे, फिर फोर्थ नंबर वाला बुनेंगे, फिर ये बुनेंगे। तो चार चार फंदों का ये डिजाइन है। लास्ट में आठ फंदे बचेंगे, इन्हें उल्टा बना लेंगे और एज जो है हमारा उसे सीधा बुन लेंगे। तो नेक्स्ट बार जो है डिजाइन हमारा स्टार्ट हो गया है, उल्टी साइड से सभी रो जो है उल्टी ही बुनी जाएंगी। ये देखिए, ये हमारा, देखिए पहले ये एक बार बना डिजाइन, फिर ये दो बार बना, फिर एक बार बनेगा, ऐसे ही आगे बनता जाएगा। तो जब आप ज्यादा फंदों में डालेंगे तो इस तरह से आपका डिजाइन जो है आएगा। मैंने आपको ये एक बार डिजाइन रिपीट करके बताया है। तो यही सिलाइयां आपने रिपीट करनी है बार बार, तो इस तरह से आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा, जरूर ट्राई करें एक बार। जेंट्स स्वेटर बना रही हूँ, बहुत प्यारा बन के आएगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनकर आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।